सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप लोग भी एक फेसबुक यूजर है और आप लोग भी फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक वाले ने बहुत ही बढ़िया अपडेट लाया है, बिल्कुल इंस्टाग्राम की तरह। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग फेसबुक पर पोस्ट करते हैं तो दोस्तों अपने पोस्ट पर म्यूजिक या गाना चुटकियों में लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि फेसबुक वाले ने बहुत ही बढ़िया अपडेट लाया है। अगर आप लोग फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों उस पोस्ट पर गाना या म्यूजिक इजीली लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और आप लोग गाना या म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि अपने फेसबुक पोस्ट पर गाना या म्यूजिक कैसे लगाएं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, फेसबुक पोस्ट पर म्यूजिक या गाना लगाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर जाएंगे। होम स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ से अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। जैसे कि चलिए मैं इसे अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ बता सकते कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाता होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सर्च बार को सर्च करना होगा फेसबुक। जैसे कि चलिए मैं इसे फेसबुक लिख करके और आप लोग को बताते हैं। जैसे कि यहाँ बता सकते मैं फेसबुक लिख करके और यहाँ पर सर्च करता हूँ। सर्च कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ बता सकते कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाता होगा। तो दोस्तों, यहाँ बता सकते अगर आप लोग का फेसबुक अपडेट ठीक है, नई अपडेट है, तो यहाँ से आकर अपडेट कर लीजिएगा ताकि न्यू न्यू फीचर इनेबल हो जाए। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि चलिए मैं इसको ओपन कर दूँ। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाता होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग जहाँ से भी फोटो अपने फेसबुक में अपलोड करते हैं वहाँ से क्या करेगा, जैसे कि चलिए मैं राइट वाले आइकन में आप लोग देखने को मिल जाता होगा। इस राइट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करके और आप लोग को बताते हैं। तो जैसे कि चलिए मैं इस राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँ तो दोस्तों कोई परमिशन मांग रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी अपडेट किया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं परमिशन मांग रहा है, तो परमिशन को अलग अलग कर देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेगा, आप लोग जो भी फोटो या फोटो को पोस्ट करना चाहते हैं उस फोटो पर उसको ले लीजिएगा। ले लेने के बाद दोस्तों, यहाँ देख सकते चूज इफेक्ट पूछ रहा है। अगर आप लोग इफेक्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आकर के लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ से उस एरो वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से कर देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेगा, एक बार आप लोगों को फोटो पर यहाँ से क्लिक कर देना होगा। जैसे कि चलिए मैं से इस फोटो वाले आइकन पर मैं एक बार उंगली से टच कर देता हूँ। टच कर लेने को दोस्तों, बता सकते कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग किसी को टैग करना चाहते हैं टैग कर सकते हैं, म्यूजिक स्टिकर और जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ से आप लोग जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं क्रॉप करना चाहते हैं फोटो क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेगा, म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो भी आप लोग सॉन्ग या गाना लगाना चाहते हैं यहाँ से सर्च करके लगा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे गाना आप लोग देखने को मिल जाएगा। उसके बाद तो नहीं होगा तो दोस्तों, यहाँ पर सर्च वाले सर्च करके आप लोग जो भी गाना सर्च करना चाहते हैं यहाँ से आकर के सर्च करके इजिली यहाँ पर, जैसे कि चलिए मैं हिंदी सॉन्ग लिख देता हूँ। लिख लेने के बाद दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं सॉन्ग यहाँ पर प्ले हो रहा है। जो सा भी सॉन्ग आप लोग लगाना चाहते हैं यहाँ से आकर के अपने मनपसंद का सॉन्ग चूज करके इस फोटो पर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर आप लोग गाना यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग जो भी गाना यहाँ से लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आकर के क्या करिएगा, यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं कोई सा भी गाना लेकर के और आप लोग को बताते आगे की प्रोसेसिंग। जैसे कि चलिए मैं इसी गानों को यहाँ से लेकर के और आप लोग को बताते हैं, मैं इसी गानों को ले लेंगे। दोस्तों, यहाँ बता सकते हैं इसका बैनर दिखा रहा है तो क्या करेगा, अगर आप लोग अपने फोटो पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हटा सकते हैं इसको। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ बता सकते हैं डन, इस डन वाले आइकन पर आप लोग को क्लिक कर देना होगा। जैसे कि चलिए मैं डन वाले आइकन पर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों, देख सकते हैं प्रोसेसिंग चल रहा है तो हल्का सा वेट कर लेंगे। वेट कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ बता सकते हैं यहाँ पर हो गया। होने के बाद दोस्तों, यहाँ बता सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग दोबारा फोटो ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते, किसी को टैग करना चाहते हैं टैग कर सकते हैं, इमोजी लगाना, लोकेशन किसी को भी कुछ कर, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से पब्लिक उसको पोस्ट वाले आइकन पर क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आप लोग देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं वे कैन सी योर पोस्ट, अगर आप लोग चलिए मैं से उस फर्स्ट वाले आइकन पर मैं क्लिक करके और आप लोग बताते हैं। अगर देख सकते हैं यहाँ से अगर आप लोग अपने पोस्ट को पब्लिक करना चाहते हैं तो पब्लिक कर सकते हैं, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड रखना चाहते हैं फ्रेंड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट नहीं पर आप लोग को क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं किसी ग्रुप को आप लोग टैग करना चाहते हैं तो यहाँ से आकर के ग्रुप को टैग कर सकते हैं ताकि उस ग्रुप में आपका भी फोटो यहाँ से चल जाए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं पोस्ट, इस पोस्ट वाले आइकन पर आप लोग को क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं पोस्टिंग हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टिंग। तो दोस्तों हल्का सा वेट कर लेंगे। वेट कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं पोस्टिंग हो रहा है, फिनिशिंग हो रहा है, तो हल्का सा वेट कर लेते हैं। वेट कर लेने के बाद दोस्तों, जो फोटो है वो अपलोड हो जाए अच्छा तरह से ताकि सॉन्ग भी प्ले हो जाए। जैसे कि चलिए मैं अपने प्रोफाइल वाले आइकन में आ गया हूँ। प्रोफाइल वाले आइकन में आने के बाद दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसे इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाता होगा अपने प्रोफाइल में। उसके बाद दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं यहाँ से मेरा पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर शेयर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, मैं ऊपर की तरह स्क्रॉल करके आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं ऊपर की तरह स्क्रॉल कर रहा हूँ तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फोटो पर यहाँ पर गाना लग चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर म्यूजिक ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं म्यूजिक यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा प्लेट चला है, हल्का सा मेरा नेट यहाँ पर स्लो है। जैसे कि चलिए मैं आप लोग को बताते हैं, यहाँ पर मैं ऑलरेडी मैं एक दो फोटो पर अपने सॉन्ग लगाया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैं ऊपर की तरह स्क्रॉल करके आप लोग चलिए बताते हैं। जैसे कि चलिए मैं इसमें देख सकते हैं मेरा फोटो बहुत नेट स्लो चल रहा है, तो यहाँ से मैं चलिए आप लोग को बताते हैं कि जो कि मैं ऑलरेडी एक और फोटो पर यहाँ से सॉन्ग लगाया हूँ। जैसे कि चलिए मैं
ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो, यहाँ पर देख सकते हैं इस फोटो पर लगाया उन सॉन्ग, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर म्यूजिक ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस पर भी लग चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं म्यूजिक वाले ऑप्शन दिखा रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी कुछ इस तरीके से आ करके अपने फोटो पर म्यूजिक या गाना इजीली लगा सकते हैं और किसी को भी चौंका सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।